चार दिन से लापता युवक का शव मिलने से परिजनों में आक्रोश है। आपको बता दें कि थाना मंगलोर क्षेत्र के गदरजुड्डा गांव से एक दलित युवक अचानक गायब हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की तहरीर उसी दिन रात को परिजनों द्वारा पुलिस को दे दी गई थी। पर लापता युवक का शव सुबह राजबाई में मिलने से परिजनों और गदरजुड्डा के निवासियों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जाँच की मांग की है। वही घटना स्थल पर पहुँचे झबरेड़ा विधायक ने भी दलित युवक की हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि पिछले चार दिनों में तीन दलितों की हत्या कर दी गई है, जो कि एक गंभीर विषय है। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से नसीम मलिक की रिपोर्ट। ये 10 तारीख में सुबह के समय घर से गया था और फिर वापस नहीं आया था। इसकी गुमशुदगी उसी दिन रात को लिखवा दी गई थी, जब ये नहीं मिल पाया। और कल लोग सैकड़ों की संख्या में थाने गए थे SO साहब, क्योंकि वो श्यामपुर की घटना अभी जो हुई है उसमें वो भी एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। तो कल मैंने इन्हें 24 घंटे के अंदर कहा था कि 24 घंटे के अंदर इसमें कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। और डेड बॉडी अभी जो नहर से निकाली गई है, अब PM के बाद पता चलेगा कि किस किन कारणों से मौत हुई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तीन हत्याएं हो चुकी है एक सप्ताह के अंदर, और ये कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। रजवाहे में पड़ा हुआ प्राप्त हुआ, जिस पर पुलिस को सूचना मिली, मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। परिजनों का और ग्रामीणों को आशंका है कि उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में किसी के द्वारा हत्या की गई है। इस संबंध में कोतवाली मंगलौर में उसकी गुमशुदगी दर्ज थी। इस संबंध में अलग अलग पहलुओं से गुमशुदगी की जांच की जा रही थी। उन लोगों की उक्त आशंका को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं से इसकी जांच कराई जाएगी। अभी पंचायतनामे की कार्रवाई संपन्न कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि मृत्यु के वास्तविक कारणों के पता चल सके।